हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हर हर महादेव। तो गाइस, हम लोग खाटू श्याम जी के दर्शन करके आ चुके हैं। जैसे कि आप लोगों को मैंने दिखाया था कि हम लोग गए थे, हम लोगों ने मंदिरों की दो तीन मंदिरों की यात्रा करती, हमारी कुल देवी के मंदिर गए थे और हम लोग सादा से बालाजी गए थे और हम गए थे खाटू श्याम। तो गाइस, वहाँ से पहुँच चुके हैं फाइनली और बहुत अच्छा फील हो रहा है वहाँ से आने के बाद भी। मतलब वही चीज़ें ऐसे दिल और दिमाग और फेस आंखों में से छप गई है हमारी पूरी तरह से। बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। तो चलिए, अब मैं अपना कहा, आज हम लोग बहुत लेट सोकर उठे थे तो फटाफट से ज़्यादा कुछ किया नहीं, कम दम खाना पीना बनाया क्योंकि हम लोग मॉर्निंग में पहुँचे थे। तो गाइस, मैं दिखाती हूँ मैंने खाने में क्या खा रही हूँ। तो गाइस, खाने में बनाए हैं ये पीले चावल और ये है दही, मैं इसी के साथ खाऊंगी। और नाश्ता थोड़ा लाइट ही किया था। तो गाइस, अब मैं अपना खाना खाती हूँ। चटनी डाल रखी मैंने ऊपर से क्योंकि बनाने का कुछ टाइम नहीं, और आज हमारी माता हैं जहाँ हम बाकी माता के गए थे, उनकी हमें करनी है पूजा शाम को। तो गाइस, फिर मिलते हैं। गाइस, हम लोग शाम की चाय पीने के बाद हम लोगों को करनी थी पूजा हमारी बाकी माता की। तो मैं गई अपना पूजा का सामान बनाने के लिए, तो जिसमें बनाए थे मैंने पोहे और पूड़ी और सब्जी बनाई थी। तो मैंने पोहे का जो पहले से भिगो के आटे में और थोड़ा सा गुड़ वगैरह डाल के उसको अच्छे से उसका बैटर बना के रख दिया था ताकि मैं उसको अच्छे से पका पाऊँ। तो फिर मैंने यहाँ पे पकाना शुरू कर दिया था क्योंकि टाइम था बहुत कम, जल्दी ही हमको पूजा करनी थी 8 बजे तक। तो वो मेरे हस्बैंड भी ऑफिस चले गए थे पर हम लोग सारे के सारे हम इतना थक गए थे ना गाइस, बहुत थक गए थे क्योंकि हम लोग मॉर्निंग में ही पहुँचे थे और उसके बाद हम लोग थोड़ा ही हम लोगों ने रेस्ट किया और हम लोग फिर उठ गए थे, फिर घर के कामों में लग गए थे, फिर हमको शाम को पूजा भी करनी थी इसलिए हम जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म कर रहे थे। तो गाइस, यहाँ मैंने पोहे बनाया। पोहे गाइस बहुत 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 टेस्टी बने थे क्योंकि ज़्यादा मुलायम तो पोहे बने नहीं थे, थोड़े से टाइट टाइट से बने, तो जो खाने में इतने टेस्टी लग रहे थे ना, करारे करारे से बहुत टेस्टी लग रहे थे गाइस। तो मैंने यहाँ पर अपने पोहे बनाना शुरू कर दिया था और साइड को मैं पता नहीं गाना बज रहा था तो वहाँ से डांस भी करना शुरू कर दिया था। तो इतनी थकान सी हो रही थी ना गाइस कि खड़े होने में ऐसा हो ही नहीं रहा था, ऐसा हो रहा था बस बैठ के काम कर लो। पर ये था कि माता की कढ़ाई हमारे यहाँ ऐसा होता है कि अष्टमी में ही होती है तो उसके बाद हम लोग कर नहीं सकते, तो इस वजह से हम लोगों को उसी दिन ही करनी पड़ी थी। तो गाइस, आप देखिए मेरे पुए कैसे लग रहे हैं, मेरे को तो अच्छे लगते हैं, बस मैं सौंफ में डाल दी इसमें क्योंकि सौंफ डाल के ना मुझे इसका टेस्ट बहुत गंदा लगता है, पता नहीं क्यों। तो मैंने सौंफ वगैरह इसमें कुछ नहीं डाली थी, सिर्फ मैंने इसमें डाला था, सिर्फ गुड़ डाला था और गुड़ से पानी से इसको अच्छे से कर दिया था। और यहाँ मैंने साइड को सब्जी बना दी थी, वो सब्जी बनाई थी वही मैंने साग वाली, और सब्जी वगैरह बना के मैंने साइड रख दी थी और यहाँ पूड़ियाँ बनाना शुरू कर दिया था क्योंकि पूड़ियाँ भी बहुत सारी बनानी थी, घर वालों को पूड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा ठीक है, एक्स्ट्रा बना के रख देती हूँ, किसी को खानी होगी तो कल खा लेना क्योंकि कल को कौन लगा रहेगा बार बार। तो मेरे हस्बैंड को मैंने बोला था कि मैं थक गई हूँ, तो बेचारी अपनी कुर्सी उठा के मेरे लिए यहीं पर लेके आकर किचन में बैठ गए थे, मेरे पास आके बोल रहे तू थक गई है ना, मैं बैठ जाता हूँ, तो ऐसे बोलने लग गए। तो मैंने कहा ठीक है आप भी बैठ जाओ। तो फिर उसके बाद बोल रहे करके थकावट तो सबको हो ही रही है, ऐसे बोलने लग गए थे तो बेचारे यहीं पे आसपास बैठ रहे, बोल रहे बैठ के काम कर ले, पर यही है ना किचन में तो सारा काम खड़े खड़े ही करना पड़ता है। तो गाइस, ये जो मेरी वीडियो है ना, ये मेरे खाटू श्याम से आने के बाद का है, तो मैं सोच रही हूँ पहले मैं इसको अपलोड कर देती हूँ उसके बाद मैं खाटू श्याम का डालूँगी। तो इसलिए गाइज़ ये मेरा पुराना है तब मैं इसको डाल रही हूँ, तो मैं इसके बाद अपना खाटू श्याम का डालूँगी। गाइज़, जिन लोगों ने भी मेरा पुराने ब्लॉग वगैरह नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल पे जाके देखो, मैंने सारे ब्लॉग डाल रखे हैं वहाँ के, एक एक ब्लॉग अच्छे से बना के डाल रखा है, जो जितना मुझसे हो पाया है मैं दिखा पाऊँ, मैंने सब दिखाया है मंदिरों का। तो इस वजह से मैं इसको डाल रही हूँ। अब मैं आपको खाटू श्याम का कल डालूँगी ब्लॉग, तो मैं आपको कल दिखाऊँगी कि हम लोगों ने खाटू श्याम के दर्शन कैसे किए, कहाँ गए थे और कितना वहाँ पर चलना पड़ता है, मैं आपको गाइज सब बताऊँगी। तो गाइज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना और मेरे सारे ब्लॉग देखना। तो गाइज़, मैं आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। गुड नाइट, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।